मनी लॉन्ड्रिंग केस की कड़ियां बदीन तक जा पहुंची। एफआईए का खोसकी शुगर मिल पर छापा, 6 घंटे तक अमले से पूछताछ, टीम रिकॉर्ड और शुगर मिल से मिला असलहा साथ ले गई। 4 SMG राइफल्स, 7 क्लाशनकोफे साथ हैं। असलहा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। छापा, आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मुजीद से दौरान तफ्तीश इंकशाफात पर हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की कल चौथी तलबी। एफआईए के 3 बार बुलावे पर दोनों पेश ना हुए। जीआईटी की अहम बैठक भी कल होगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। बदीन शुगर मिल से मिलने वाले रिकॉर्ड और शवाहिद पर गौर किया जाएगा। सदारती उम्मीदवार पर हिज़्बे इख्तलाफ में इख्तलाफ बरकरार। आसिफ अली जरदारी का एतजाज से दस्तबरदार होने से इनकार। मौलाना फजल रहमान के हाथ शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया। ओपोजिशन रहनुमाओं की ANP और MMA नाम लेने की तजवीज। मौलाना फजल रहमान और असफंदियार वली भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कल हमारी एक तफसीली पार्टीज की मीटिंग हुई है। चौधरी एतराज के ऊपर एज सच कोई एतराज नहीं है। प्रोसीजर पे एतराजात हुए और उसको हम भी तस्लीम करते हैं। एतराज एहसन पर कोई इल्जाम नहीं, नून लीग को कोई एतराज नहीं। तहरीक इंसाफ को भी चाहिए एतराज एहसन की हिमायत करें। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। वजीर आजम की कफायत शुआरी मुहिम पर भी तनकीद की। कहा वजीर आजम हाउस से हेलीकॉप्टर पर 2 बार बनीगाला जाने से ज्यादा बचत क्या होगी। पीपल्स पार्टी की बलोर हाउस आमद, हारून बिलोर की शहादत पर ताजियत। बनीगाला में पंजाब का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। महमूदुर रशीद को हाउसिंग, असलम इकबाल को स्मॉल इंडस्ट्री, फयाजुल हसन चौहान को वजारत इत्तलात मिलने की तवक्को। सिप्तैन खान ज़रात और माइनिंग, अलीम खान बल्दियात, राजा यासिर हायर एजुकेशन संभालेंगे। मुराद रास प्राइमरी एजुकेशन के वजीर यासमिन राशिद को सेहत का कलमदान मिलेगा। जहाँजेब खची लाइफ स्टॉक के वजीर होंगे। पंजाब में तरक्की के लिए स्वीडिश मॉडल अपनाने का भी फैसला। अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं, वुज़रा सादगी अपनाएं, वज़ीर आज़म की 2 टोक हिदायत। वुज़रा 1 से ज्यादा गाड़ियां नहीं रख सकते। असासा इजाद की तफसील इलेक्शन कमीशन के अलावा वज़ीर आज़म को भी देनी होगी। वुज़रा की कारकर्दगी जानने के लिए माहरीन पर मुश्तमिल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले को पहले वार्निंग, फिर छुट्टी करा दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में किसे कहां लगाना है, मुशावरत मुकम्मल। आतिफ खान, चेहराम तरकई, इश्तियाक अरमर मुतवक्के काबीना में शामिल। बलोचिस्तान काबीना की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। पहले मरहले में 12 वुज़रा हलफ उठाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस के लिए अमजद जावेद सलीमी समेत 4 नाम जेरे गौर। IG खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद ताहिर, AIG स्पेशल ब्रांच फैसल शाहकार और महर खालिक दाद लक शामिल हैं। अमजद जावेद सलीमी IG सिंध के ओहदे पर बराजमान। नए IG पंजाब का तकरर आइंदा 48 घंटे में मुतवक्के। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की कल चौथी पेशी। वाजिद ज़िया भी बतौर गवाह पेश होंगे। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 600 से ज्यादा अहलकार तायुनात। फहरिस्त में शामिल 9 लीगी रहनुमाओं को अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। ऐवान बाला में भी तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कायद ऐवान मुकर्रर। पीपल्स पार्टी की शेर रहमान की रुख्सती। नून लीग के राजा जफरुल हक कायद हिजब इख्तलाफ बन गए। नोटिफिकेशन जारी। टी
पीपल्स पार्टी के तीन जाले अब तहरीक इंसाफ वाले हो गए। बारी जलानी, आदिर बलोच और हाजी मुजफ्फर शजरा शामिल। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हमरा तीनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर पीपल्स पार्टी ने तीनों अफराद से लातालुकी का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने हमें रेल में भेजा और मुझे उन्होंने एक ही बात दी है कि खसारा कम करना है, मैं ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। इसमें ज़ाहिर है बाज़ लोगों की नाराज़गी है। टिकटिंग आपने देखी है, ये हम ही ने बनाई थी 10 साल पहले जनाब। ऑनलाइन टिकट की और सहूलत देंगे। 120 दिन का टारगेट है, रेलवे को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। शेख रशीद की लाहौर रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वजीर रेलवे का शाम 6 बजे तक काम करने का ऐलान। अमला नए वजीर से नाराज। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने 2 साल की लंबी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। कहते हैं वजीर रेलवे को सरकारी आदाब का पता है ना, प्रोफेशनल है, काम नहीं कर सकता। कराची सोहराब गोद पुलिस मुकाबले में जाम बहक बिलाल मां की गोद से निकलकर मिट्टी की गोद में जा सोया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल को लगने वाली गोली किसी बड़े हथियार की है। मकतूल को बाई जानिब और कम फासले से 2 गोलियां लगी। पुलिस ने नौजवान की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके जान छुड़ा ली। खरक में जायदाद के तनाजे ने खानदान को मौत की नींद सुला दिया। मुखालिफीन की फायरिंग, बाप और 3 बेटे जा बहक। शौहर और बच्चों के कत्ल की खबर सुनते ही बच्चों की वालिदा भी हार्ट अटैक से चल बसे। पंजाब का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर गिरफ्तारी के बाद रहा। आबिद बॉक्सर के खिलाफ मिल्लत पार्क थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मुलजिम और मुदई को बुलवाया तो दोनों फरीकैन लड़ पड़े। पुलिस ने 7 अफराद को धर लिया, कुछ देर बाद रिहाई मिली। भारत आबी तनाजे पर मुजाकरात के लिए राजी। वाटर कमिश्नर की सरबराही में 9 रुकनी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। 2 रोजा मुजाकरात में पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मामला उठाएगा। भारत वफ्द पाकिस्तानी एतराजात का जवाब भी देगा। पाक फजाया के JF-17 थंडर की पोलैंड की फजाओं में घन गरज। सब्ज हिलाली परचम से मुजयन तैयारों की धाक बिठा दी। विंग कमांडर से शान की दलेराना करतब देखकर शायकीन दम बखुद। सेनेटर फैसल जावेद ने 200 रुपए में मेहमान निमटा दिया। सईदपुर विलेज के ढाबे पर वजीर आला पंजाब को चाय की दावत। उस्मान बुजदार को देखकर शहरी खुश, खूब सेल्फियां बनाई। लाहौर में सुरमई बादल छलक पड़े। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड और कैनाल समेत कई जगह घटा झूम कर बरसी। नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला समेत दीगर शहरियों में भी रिमझिम की बरसात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में भी खूब बारिश हुई। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम के सितारे उरूज पर। इवेंट में लगातार 4थी कामयाबी। मलेशिया को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एजाज अहमद ने 2 गोल किए। मोहम्मद इरफान और मुबशर अली ने 1-1 गोल लिया। Or has he nicked it? They've all gone up and it's a first baller. That's an edge. They have gone up for it and so is the finger. दराज कद मोहम्मद इरफान ने हरीफ बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। कैरेबियन लीग में 4 ओवर्स में सिर्फ 1 रन दिया और 2 खिलाड़ी पवेलियन भेजे। 23 डॉट बॉल्स करा कर T20 की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया।
भारतीय रियासत केरला में हौलनाक सैलाब हलाकते 445 तक पहुंच गई। मुतासर इलाकों में जहरीले सांपों के डेरे। हिंदू पंडितों ने सैलाब को गाय का तहफ़ ना कर सकने पर अजाब करार देते हुए तोहम परस्ती के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सऊदी अरब के शहर ताइफ की सरजमीन पर सहराई जहाजों की लैंडिंग। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हिदायत पर ऊंटों का खुसूसी मेला सजा। मुल्क भर से आला नस्ल के 10,000 ऊंट लाए गए। गैर मुल्की अफराद की मेले में खुसूसी दिलचस्पी। और अब लगन लगी की करिए ना जी सकिए ना मरिए। अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 261वें उर्स की तकरीबात कसूर में जारी। जायरीन का रश धमाल ने समा बांध दिया।